एक दिन हम लोग बाजार गए थे, बच्चे के लिए जैकेट वगैरह लेनी थी, ठंड आ गई है तो ये सब भी करना ही होता है। जैकेट ली भी, उसकी जैकेट पर लिखा है नेवर गिव अप। फिर दूसरे दिन एक और लड़के की टी शर्ट पर लिखा देखा यार नेवर गिव अप। लगातार दो दिन तक नेवर गिव अप, स्लोगन मुझे पता है, अच्छा भी लगता है नो डाउट। दूसरी बार देखा तो लगा यार सही है यार, कभी हार नहीं माननी, यानी नेवर गिव अप। मुझे कतई पता नहीं था कि दो बार स्लोगन देखने का मतलब क्या था। मतलब ये था कि इसी तरफ से इस बार की कहानी आने वाली थी। मेरे बचपन के दोस्त आदर्श शर्मा ने यह कहानी भेजी, हमारा स्कूल का ग्रुप है, हमारे सेक्शन का ग्रुप है, तो उसमें आदर्श ने कहानी डाली, मुझे अच्छी लगी और नो डाउट मैंने ले ली। आदर्श को बहुत धन्यवाद है। आदर्श मुंबई में एक इंटरनेशनल कंपनी में बड़े पद पर हैं। आदर्श को हम लोग प्यार से अद्दू बोलते हैं, शायद ही कभी हो कि उसे आदर्श बोला गया हो। अद्दू हाल ही में भोपाल आया था, उसे किसी फंक्शन में जाना था, घर पर भी आया था। कमाल देखिए, वो जिस होटल में रुका था वो मेरे घर के ही सामने थी। अद्दू आज भी जस के तस हैं, जैसे हम लोग सिक्स क्लास में थे वैसा ही है। घर पर उसी अंदाज से बात की जैसे बचपन में करते थे। और मज़ेदार तो ये रहा, मेरा बेटा जो अभी 7 साल का है, भले ही हमारी बात को समझ नहीं पा रहा था, हम लोग तमाम मिमिक्री कर रहे थे स्कूल के ज़माने की चीज़ें, और उसको भी मज़ा आ रहा था। गजब। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है, अब तो लगता है कि शनिवार आता ही इसलिए है कि आपको कहानी सुनानी है। तो अद्दू भाई वाली कहानी कंटिन्यू करते हैं। कहानी का नाम है ये बांस भी कुछ सिखाता है। एक बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था। बिजनेसमैन पूरी तरह नाउम्मीद, निराश हो गया था। वो अपनी जिंदगी से बुरी तरह थक चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और काफी देर अकेले बैठा रहा, ना कोई बात चीत, ऑब्वियस बात, जंगल में क्या ही होगा, बिल्कुल निराश हताश। और कुछ सोचकर सर उठाकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूं, मुझे कोई वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूं, मेरा सब खत्म हो चुका है, मैं क्यों ना फ्रस्ट्रेट हूं, हे ईश्वर हो सके तो मेरी मदद कीजिए। ईश्वर ने उसकी सुन ली थी और भगवान का जवाब आता है, जंगल में घास और बांस के पेड़ को देखो, यानी घास को देखो और कहीं दिख रहा है तो तुम्हें बांस का पेड़ देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया था, मैंने इन दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल की थी, इनको बराबर पानी दिया, बराबर रोशनी दी, घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और उसने धरती को बिल्कुल एकदम हरा भरा कर दिया कुछ दिनों में, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ था। लेकिन मैंने बांस के लिए हिम्मत नहीं आ रही। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर घनी झाड़ियां भी आने लगी, मतलब एकदम जंगल सा बन गया घास का, लेकिन बांस के बीज में कोई ग्रोथ नहीं हुई, कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैंने बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं होती है, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी बांस का बीज, यानी कोई ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे कि कुछ अच्छा हो, कोई वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज में से छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये पौधा बहुत छोटा था, कमजोर था, लेकिन केवल छह महीने बाद छोटा सा पौधा 20 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस को बढ़ाने के लिए 5 साल का समय लगाया, लेकिन इन 5 साल में इस बांस की जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 20 फीट के ऊंचे बांस को वो आराम से संभाल सके। जब भी तुम्हें जिंदगी में संघर्ष करना पड़े तो समझ लेना कि तुम्हारी जड़ मजबूत हो रही है, रूट्स मजबूत हो रही है, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है ताकि आप आने वाले कल को और बेहतरीन बना सको। मैंने बांस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का वक्त अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, एक दिन तुम भी बांस के पेड़ की तरह आसमान छूओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी,
तुम भी मत हारो। जिंदगी में स्ट्रगल से, अपने संघर्षों से मत घबराओ, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। बस यही थी आज की कहानी, छोटी सी कहानी अद्दू भाई के जानिब से। दोस्तों, तुलना से किसी का भला नहीं होता, तुलना करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हर दम हर पल होती है, वो ऐसा है, उसे देखो वो वैसा है, यार तुम तो कोई भी इससे अछूता नहीं है। तुलना करना शायद हम इंसानों का व्यवहार बन चुका है, हम लोगों के पूरे व्यक्तित्व में शुमार हो चुका है। यार कोई खिलाड़ी है तो कोई सिंगर है, कोई रनर है तो कोई फुटबॉलर है, कोई नेता है तो कोई एक्टर है। हर आदमी की अपनी पहचान है, हर इंसान अलहदा है। गेहूं का पौधा बरगद नहीं बन सकता, पीपल जामुन नहीं हो सकता, सच है। परीक्षा में 60% लाने वाले की अपनी खासियत है, 80 वाले की अपनी, 90 वाले की अपनी, 33% लाने वाले की भी अपनी खासियत है, होगी ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी की तुलना ना करें, अपनी किसी से करें ना किसी को खुद की तुलना करने दें, सबको पनपने दें। किसी को देखने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी ही है यार, ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल। कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। TV.